सब बढ़िया। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, रेफरेंस फ्रेम की बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, इन दोनों इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम जब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें मैंने आपको कुछ स्यूडो फोर्सेस के बारे में भी बातें बताई थी। तो होपफुली आपको स्यूडो फोर्सेस की कुछ बातें जो है वो समझ में आई होगी। अब उन स्यूडो फोर्सेस की जो बातें हैं उससे थोड़ा सा हम ऊपर जाके, मैंने आपको कहा था एक एग्जांपल है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब जिसमें एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्सेस काम करते हैं, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है लिफ्ट का। जब आप लिफ्ट में ऊपर नीचे होते हो तो जब आप ऊपर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि आपका जो भार है वो बढ़ रहा है, और जब नीचे आते हो तो लगता है कि भार जो है वो हमारा कम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? समझाते हैं, भार के दो तरीके। जब लिफ्ट नहीं चल रही है तो आपका जो भार है वही आपको महसूस होता है कि चलो ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो मुझे भार लग रहा है, भार मतलब मास और वेट दोनों में अंतर होता है, ये बात आपको पता है ना। मास तो एम होता है और वेट जो होता है वो मास में ग्रेविटी को इंक्लूड करके होता है, ठीक है ना। कोई वस्तु कितनी भारी है उसका जो ग्रेविटी का जो उसका मास है वो ज्यादा होता है, कोई वस्तु कितनी हल्की है उसका डिसीजन उसका मास करता है। जी तो सबके लिए सेम होता है, पर मास जब जी के साथ मिल जाएगा तो वो वेट बन जाएगा, वो भार हो जाएगा। तो यहाँ पर भार जो होता है, जब लिफ्ट रुकी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, भार आपका स्टेबल है, बट जैसे ही लिफ्ट ने मोशन शुरू कर दी, जैसे ही लिफ्ट ऊपर नीचे होना शुरू कर देती है, तो अल्टीमेटली होता क्या है, आपका जो भार होता है ना वो कम या ज्यादा इस तरीके से ऊपर नीचे होना शुरू कर देता है। समझाते हैं कैसे, भार जब लिफ्ट के चलने से बदलता है तो उस भार को प्रभावी भार कहा जाता है, इफेक्टिव वेट, ठीक है। एक तो था सिंपली वेट जो लिफ्ट रुकी हुई है तब की बात है, बट जब लिफ्ट ने चलना शुरू किया तो उस स्थिति में क्या होता है, उसका जो वेट होता है वो इफेक्टिव वेट कहलाता है। वो इफेक्टिव वेट क्यों होता है और वो नॉर्मल वेट, नॉर्मल जो भार है उससे अलग क्यों है, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, वो है स्यूडो फोर्सेस, आभासी बल, ठीक है ना। जो आभासी बल लगते हैं जो पृथ्वी की घूर्णन की वजह से भी महसूस होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो मैंने आपको बताई थी, नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से भी ये सब बातें वहां पर देखने को मिलती है, वो प्रभावी भार कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है, वो हम समझते हैं। तो लिखो, लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी या प्रभावी भार, हेडिंग दो, लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी या, और तुम वो सवाल तो कर रहे हो ना बेटा, ये क्लासेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी प्रैक्टिस, जो मैं तुमको रेगुलर असाइनमेंट्स दे रहा हूं उनको प्लीज पूरा पूरा करते रहिएगा, उसमें कोई कोताह मत बरतना। जितना जल्दी हो सके वो असाइनमेंट्स पूरे कर लेना, ठीक है ना। जितना जल्दी हो सके वो असाइनमेंट्स जो हैं पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। और उनके यूनिट नंबर 3 के मैं असाइनमेंट्स कर दे चुका हूँ, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3, तीन असाइनमेंट आपके पास आ चुके हैं। 1 और 2 के सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ आंसर की के साथ। अब तीसरे नंबर के असाइनमेंट के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जब एक बार आप लोग ट्राई कर लोगे अपने लेवल पे, ठीक है ना। तो सारे असाइनमेंट्स अपलोडेड हैं इस कोर्स के अंदर, वो आप लोग देख सकते हो। और रजनी, तुम अगर आरपीएससी वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो तो तुम मुझे मैसेज कर देना, तो मैं तुमको आरपीएससी वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। और तुम भी वो असाइनमेंट्स आरपीएससी वाले ग्रुप से ले सकती हो, सोनिया से या सौरभ से हेल्प ले सकती हो, सोनिया सौरभ तुमको वो सेंड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि एप्लीकेशन में तो केवल असाइनमेंट दिखते हैं,
उनको डाउनलोड नहीं कर सकते हो आप, बाकी ग्रुप के अंदर मैंने प्रॉपरली असाइनमेंट सेंड किए हुए हैं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं सोनिया, तुम रजनी को सेंड कर देना, ठीक है ना, और जो है इसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। रजनी तुम एक बार मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो तो लिखो, एक होता है बार, तो बार के बारे में बात कर लो पहले, तो सबसे पहले बार की बात कर लेते हैं। तो पहले हेडिंग दे लीजिए, मतलब ये भार क्या होता है। भार मतलब नॉर्मल वेट होता है, तो ये तब काम करता है जब ग्रेविटी इफेक्टिव होता है। सो केवल केवल जी प्रभावी, ठीक है ना, जब केवल जी हो इफेक्टिवली। और इफेक्टिव भार क्या होता है, प्रभावी भार। प्रभावी भार क्या होता है बेटा, जब लिफ्ट चलना शुरू कर देगी, जब लिफ्ट चलना शुरू कर देगी ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, इफेक्टिव वेट वहां पर काम करेगा, ठीक है ना। सो व्हेन लिफ्ट इज मूविंग देन इफेक्टिव वेट इज वर्क्स। तो रजनी एक काम करना, तुम सोनिया से नोट्स ले लेना, सोनिया जो है वो इंग्लिश में लिखती है, तो डेली के नोट्स जो है सोनिया तुमको प्रोवाइड कर सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वो कन्वर्ट कर लेती है इंग्लिश में चीज़ों को, तो तुम दो लोग इंग्लिश में लिख सकते हो आराम से। ओके, सो इफेक्टिव वेट में क्या होता है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग देन एक्सीलरेशन आल्सो वर्क्स, तो वहां पर लिफ्ट का एक्सीलरेशन भी काम करेगा, ठीक है। सो जी और ए दोनों प्रभावी हो जाएंगे वहां पे, जी एंड ए बोथ आर इफेक्टिव, जी एंड ए दोनों प्रभावी हो जाएंगे, बोथ आर इफेक्टिव, दोनों दोनों प्रभावी वहां पर काम कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, ठीक है। सो केस नंबर एक, अब हम लोग अलग अलग केस लेंगे लिफ्ट के ऊपर नीचे आने का। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ जा रही है, तो समझाता हूं मैं आपको। देखना यहां पर दो चीजें होती है बेटा, मैंने आपको एक बात बताई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात जब करते हैं, तो हम यहाँ पर समझते हैं कि आप पूरे फिनोमिनन को कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जैसे मान लीजिए कि लिफ्ट ऊपर जा रही है सपोज, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट वो लिफ्ट बेसिकली उसका भी तो कुछ एम जी होगा, तो उसका नॉर्मल तो खैर ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि नॉर्मल तो मैंने आपको समझाया था जो टच सरफेस होती है, ठीक है ना, सरफेस से जस्ट ऊपर लगता है नॉर्मल फोर्स, और नीचे की तरफ तो एम जी जो लगना है वो तो लग रहे हैं, तो नीचे हमारे पास क्या लगेगा बेटा, एम जी। एंड लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, सो देयर इज एन अपवर्ड फोर्स दैट इज ए। और हम लोग ऐसा मान लेते हैं शुरुआत में कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है एन माइनस एम जी, क्योंकि एन यहाँ पर ज्यादा है, एम जी कम है। एन ज्यादा है तभी तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, एन जो है वो ज्यादा है इसीलिए लिफ्ट ऊपर जा रही है, एम जी कम है नीचे लग रहा है, पर कोई बात नहीं, एम जी लग तो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट जो फोर्स हम फील कर रहे हैं वो एम ए होता है। मैंने आपको कहा था फोर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सो हाउ वी राइट द फोर्स इक्वेशन, सो सिंपली एड अप ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम, जितने भी फोर्सेस सिस्टम में लग रहे हैं उन सभी को एड ऑन कर दीजिए, और रिजल्टेंट एम ए के बराबर उसको रख देते हैं, तो वो हमारे पास फोर्स इक्वेशन कहलाती है। अब ये सारा फिनोमिनन जो देख रहा है वो बाहर बैठा हुआ एक इंसान देख रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब अगर मैं इसी इंसान को अंदर बिठा दूँ, ठीक है ना, यहाँ तो खैर नॉर्मल फोर्स आपको मिल गया कि एम ए प्लस
एम जी है। अब यही इंसान अगर अंदर बैठ जाए, मान लो इफ दिस पर्सन सिट इनसाइड द लिफ्ट, ठीक है ना, तो इसका जो कुल वेट है, मान लो वो एम जी आपको फील हो रहा है, ये एम जी इसको फील हो रहा है, ठीक है, बट लिफ्ट जो है क्या बोलते हैं ऊपर की ओर जा रही है, सपोज लिफ्ट जो है कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो इसको तो क्या लग रहा है कि भाई मैं तो रेस्ट में हूं, इसको क्या लग रहा है कि मैं तो रेस्ट में जा रहा हूं, ऐसा इसको फील हो रहा है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना, इसको एफ एक्सटर्नल जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, बिल्कुल जीरो फील हो रहा है, क्योंकि इसे तो ये बात पता है ना कि मैं तो, ये बात आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, जब भी कोई चीज मूव करती है, जब भी कोई चीज मूव करती है, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप मूविंग फ्रेम के अंदर किसी इंसान को बिठा देते हो तो वो मूविंग फ्रेम उस इंसान के रिस्पेक्ट में रेस्ट फ्रेम बन जाती है। जैसे कोई कार मूव कर रही है, तो अगर कार के अंदर आप लोग बैठ जाओगे तो क्या आपको कार चलती हुई दिखाई देगी? नहीं, आपको लगेगा कार तो रुकी हुई है। वो तो बाहर अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसे कार चलती हुई दिखाई देती है, आपको चलती हुई दिखाई नहीं देगी। तो आपके रिस्पेक्ट में लिफ्ट में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, लिफ्ट तो रेस्ट में है। इसी फिनोमिना को फील करने, अब देखो आपको ही भार महसूस करना है, आप ही को देखना है कि आपका वेट बढ़ाया घटा, ठीक है ना, तो आप ही को सारा कुछ काम करना पड़ेगा, बाहर वाले इंसान थोड़ी फील करना है कि आपका वेट कितना, बाहर वाले इंसान के लिए तो आपका वेट उतना ही है जितना अंदर था, बट आपके लिए आपका वेट बढ़ रहा है, तो मैं आपके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर आप अंदर बैठ गए तो वहां पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्योंकि लिफ्ट रुकी हुई है आपके लिए। अब लिफ्ट कब रुक सकती है, जब हम इतने ही एक्सेलरेशन का एक नेगेटिव फोर्स, उतना ही फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग महसूस करें, मतलब फील करें, तभी जाके एफ एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो। अदरवाइज तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, आपको तो लग रहा है कि ऊपर फोर्स लग रहा है, बट आपको क्या लगना चाहिए कि फोर्स बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसीलिए आप एक स्यूडो फोर्स की कल्पना करते हो जो एक्चुअल फोर्स से जस्ट उल्टा होता है। क्या बोला मैंने, एक स्यूडो फोर्स की कल्पना हो रही है, देयर इज एन इमेजिनेशन ऑफ अ स्यूडो फोर्स, ठीक है ना, इन द जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो हम जस्ट नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, एक स्यूडो फोर्स की कल्पना कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नीचे एक और फोर्स वहां पर आपको फील हो रहा है, माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो नीचे की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, फील करवा पा रहे हैं, अदरवाइज वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन तो ए है ही सही ना, नीचे की तरफ तो ए एक्सेलरेशन है ही सही। तो हम ये बात मान रहे हैं कि मैं यहां पर एक एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ फील कर रहा हूं, ये स्यूडो है, आभासी बल, यहां पर ये आभासी बल है जो यहां पर क्या हो रहा है, ट्रीट हो रहा है, ठीक है ना, समझना की बात, दैट्स इट। तो यहां पर हमारे पास जो डब्ल्यू एपीरेंस है, प्रभावी भार जो है वो एम जी जो है वो तो लग ही रहा था ऑलरेडी, बट एक बार आपने फील कर लिया एम ए, तो उसका जो टोटल वेट है वो क्या हो गया, बढ़ गया, समझ आएगी बात, टोटल वेट जो है ना वो क्या हो गया, बढ़ गया, और वो वेट उसको नीचे की तरफ क्या हो रहा है, लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। बस ये रीजन है स्यूडो फोर्स, जो कि बताता है कि लिफ्ट में बैठा हुआ इंसान जब ऊपर जाता है तो अपना वेट ओरिजिनल वेट की तुलना में ज्यादा महसूस करता है, ठीक है ना। केस नंबर टू यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मान लो लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जाए तो वो सेम रीजन है। अब केस नंबर टू समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, यदि लिफ्ट नीचे की ओर एक त्वरण से गतिशील है, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, नीचे की ओर ए त्वरण से गतिशील है, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, वही सेम बात पड़ जाएगी, अगर आप लोग बाहर बैठे हो तो
आपको तो ये लग रहा है कि लिफ्ट नीचे जा रही है, तो ए तो नीचे की ओर है, नॉर्मल जो होता है वो हमेशा ऊपर लगता है, और एम जी भी नीचे लग रहा है, तो दो फोर्सेस यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिख जाएंगे, ठीक है। एक नॉर्मल जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको जाता हुआ दिखेगा, तो नॉर्मल ऊपर है, एम ए नीचे है और एम जी भी नीचे है, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोग उल्टा यहाँ पर महसूस करेंगे, थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया इसको। नॉर्मल ऊपर है पर ज्यादा एम जी है यहाँ पे नॉर्मल की तुलना में, तभी तो लिफ्ट नीचे जा रही है, बाकी एम ए तो फील हो ही रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पर कम है अब की बार, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, ये बाहर खड़े हुए इंसान को फील हो रहा है, ठीक है। और अब अगर मैं बात बात करूं अंदर वाले इंसान के लिए, तो क्या होगा, वो सूडो फोर्स फील करेगा अंदर वाला इंसान। तो यहाँ पर अगर मान लो कोई लिफ्ट है, यहाँ पर कोई इंसान बैठा है, इसका एम जी भार नीचे लग रहा है, ठीक है, लिफ्ट भी नीचे जा रही है, बट इसको अपना रिजल्टेंट फोर्स जीरो महसूस करना है, तो एक स्यूडो फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ फील करना पड़ेगा। तो कुल मिला के जो इसका वेट हो जाएगा, ठीक है, वो इसका जो इफेक्टिव वेट है एपीरियंट, वो हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, ये एक्स्ट्रा फील करेगा वो, ठीक है ना। दैट्स वाई वो अपना जो वेट है वो पहले की तुलना में कम तो महसूस करेगा, ठीक है। और जी वैसे भी नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो प्रोबेबली यहाँ पर जी की वैल्यू ए से हमेशा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लिफ्ट जो है ना वो नीचे जा रही है, तो ग्रेविटी वहाँ पर इफेक्टिवली वर्क करेगी, और इसी वजह से वहाँ पर इफेक्टिवली हो जाएगा। अब ये बात तो खैर आपको समझ में आ गई, लिफ्ट के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वही चीज़ मंदन में, मतलब जो है रिटार्डेशन की बात करें, तो वहाँ पर भी वही चीज़ सेम फील होगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। रिटार्डेशन में क्या होगा, ए की जगह माइनस ए फील हो जाएगा, तो लिफ्ट जो है अपना एक्सीलरेशन बढ़ाएगी नहीं, वो एक्सीलरेशन को धीरे 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 कम करती जाएगी। अब इसी के साथ लिफ्ट के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको लिखना चाहूँगा, कुछ नोट डाल के आप लोग इम्पोर्टेंट बातें लिख लीजिए, ठीक है, तो आपके लिए सही रहेगा, वो नोट डाल लीजिए। इसमें लिखो, यदि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, यदि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, यदि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, अर्थात ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अर्थात ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, अर्थात ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इसका गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर हो, इसका गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर हो, तो डब्ल्यू एपीरियंट इज इक्वल टू, जो हमने लिखा था फॉर्मूला नीचे की ओर आने वाली लिफ्ट का वो यही था, तो जी और ए बराबर हो जाएगा, तो जी हो जाएगा, लिख लो बराबर 0। अर्थात व्यक्ति इस अवस्था में, अर्थात व्यक्ति इस अवस्था में स्वयं को भारहीन महसूस करता है, स्वयं को भारहीन महसूस करता है। अरे सिंपल सी बात है, गलती से अगर लिफ्ट का वायर कट जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, पर गलती से अगर वायर कट जाए तो तुम ऐसे हो जाओगे हवा में, जैसे कि स्पेस में घूम रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ हवा में उड़ोगे आप लोग,
ठीक है, फिर गए, ऐसा लगेगा कि बस अब गए भगवान के पास सीधे, उसे भारी अवस्था बोलते हैं। अगर एकदम रस्सी कट जाए, फ्रीली लिफ्ट नीचे मूव करे, तो ऐसी अवस्था आ जाती है। तो इस अवस्था को भारहीनता की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को भारहीनता की अवस्था, इस अवस्था को भारहीनता की अवस्था कहते हैं, वेटलेस कंडीशन, जहां पे आपका वेट बिल्कुल ना हो। अर्थात किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का, अर्थात किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का, अर्थात किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का आभासी भार सदैव शून्य होता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का आभासी भार सदैव शून्य होता है, मतलब ए इज इक्वल टू जी, सिंपल सी बात है, ए इज इक्वल टू जी। दूसरा नंबर का नोट लिखो, यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से नीचे गिरती है, यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से नीचे गिरती है, तो लिफ्ट के सापेक्ष आदमी की गति, तो लिफ्ट के सापेक्ष आदमी की गति ऊपर की ओर होती है। लिफ्ट के सापेक्ष आदमी की गति ऊपर की ओर होती है, सिंपल सी बात है। अगर लिफ्ट तेजी से नीचे गिरती है, तो आदमी तो ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा लिफ्ट को, सिंपल सी बात है। अर्थात आदमी ऊपर की ओर गति करता है, अर्थात आदमी ऊपर की ओर गति करता है, अर्थात आदमी ऊपर की ओर गति करता है, तथा आदमी छत से जाकर चिपक जाता है, तथा आदमी छत से जाकर चिपक जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा लिफ्ट को बहुत धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। अगर लिफ्ट जल्दी से नीचे उतरती है ना, तो फिर आप लिफ्ट की छत पर जाकर चिपक जाओगे, समझ में आई बात। इसीलिए बहुत धीरे धीरे लिफ्ट चलती है, ताकि वो ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेशन ना ले पाए, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेविटी से कम ही होना चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख लो, ऊपर की ओर गति करता है, अर्थात ऊपर की ओर चिपक जाता है, ऊपर की ओर गति करता है, अर्थात ऊपर की ओर चिपक जाता है, ऊपर की ओर गति करता है, अर्थात ऊपर की ओर चिपक जाता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत आसानी से लिफ्ट के ऊपर बेस्ड है, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा उस क्वेश्चन करने में। लिखो क्वेश्चन नंबर एक, यदि सॉरी एक आदमी लिफ्ट में 5 किलो का बैग लेकर खड़ा है, लिफ्ट में 5 किलो का बैग लेकर खड़ा है, हाँ सुनिए आप,
हेलो, अरे आवाज ओके। लिफ्ट में 5 किलो का बैग लेकर खड़ा है। यदि लिफ्ट का त्वरण यदि लिफ्ट का त्वरण जी बाई टू नीचे की ओर है तो जी बाई टू नीचे की ओर है तो बैग के हैंडल में तनाव बल ज्ञात करो। तो बैग हैंडल में तनाव ज्ञात करो या तनाव बल ज्ञात करो। जरा बताओगे कैसे करेंगे इस सवाल को? आसान सवाल है, कोई बड़े कठिन सवाल नहीं है। लिफ्ट के सिद्धांत को काम में लेना है। सपोज अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, सपोज अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ द एक्सेलरेशन जी बाई टू। ओके, द वेट इज सिंपली ऑलवेज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन एज यूजुअल। ओके, अब यहां पर दो तरह की ऑब्जर्वर है। मान लो कि कोई इंसान बाहर बैठा हुआ है। अगर कोई इंसान आउटसाइड पर स्टैंड कर रहा है, बाहर बैठा हुआ है, सपोज वो ऑब्जर्वर वन कहलाएगा। मैं उसको ऑब्जर्वर वन नाम देता हूँ। तो वो तो क्या बोलता है भाई साहब, कि भाई साहब लिफ्ट नीचे जा रही है, इसका मतलब ये है कि एम जी ज्यादा इफेक्टिव है और एन की वैल्यू कम है, और इस स्थिति में टोटल जो उसका फोर्स है वो एम ए के बराबर हम लोग फील करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तनाव बल है, जो टेंशन फोर्स है, जो न्यूटन एन लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा एम। अब जो लिफ्ट है वो नीचे, अगर मैं ए इज इक्वल टू जी बाई टू पुट कर दूँ, सो ए इज इक्वल टू जी बाई टू पुट करते मेरे पास कितना हो जाएगा एम जी बाई टू, जो कि उसने बोला हुआ है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा एम जी बाई टू। एम उसने कितना बोला है, भैया 5 किलो का बैग है। जी आपको पता ही है कि 10 के आसपास का होता है हमेशा, तो 25 न्यूटन के आसपास का उस बैग के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाएगा। उसने इंसान का भार नहीं पूछा है, उसने बैग के अंदर टेंशन पूछा है। तो जो हैंडल है उसके अंदर टेंशन इतना ही आएगा जितना बैग का वेट है। तो बैग का वेट बढ़ गया या कम हो गया, तो नीचे आ रही तो उसको कम ही होगा क्या। तो जो वेट बैग का वेट कम हुआ है, उस कम होने की वजह से इतना ही बचा है उसके पास, है ना। ओके, सो आगे देखो। अगर मान लीजिए वो इंसान अंदर बैठा है, दूसरा ऑब्जर्वर, मैं मान लेता हूं कि देयर इज एन सेकंड ऑब्जर्वर। तो अगर कोई इंसान अंदर बैठा है मान लीजिए, और वो है ऑब्जर्वर टू सपोज, ऐसा मैं मान लेता हूँ, तो वहां पर वो अपना जो डब्ल्यू एपिरियंट है, ऑब्वियस सी बात है, वो अपना जो वेट है वो कम महसूस करेगा। तो एम जी से वो अपना वेट कितना एम ए कम महसूस करेगा। तो उसका आंसर भी खैर वही सेम ही आंसर आ रहा है, तो 25 न्यूटन ही आएगा उसका आंसर। तो चाहे ऑब्जर्वर अंदर बैठा हो, चाहे ऑब्जर्वर बाहर बैठा हो, वो जो टेंशन है ना वो उतना ही फील करेगा जितना अंदर बाहर है, मतलब कम, पहले की तुलना में वो अपना टेंशन वो कम ही महसूस करेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं न्यूटन्स के लॉ की, बात करते हैं न्यूटन के लॉ। आप जानते हो क्या होते हैं। पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है।
कि अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी तब तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। पर इससे पहले आपको पता है न्यूटन से पहले भी एक अरस्तु नाम का आदमी था। हैव यू हियर अबाउट द अरस्तु? बहुत पहले था अरस्तु, है ना, बहुत पहले की बात है जब अरस्तु का जमाना हुआ करता था। न्यूटन से भी पहले का आदमी है, न्यूटन तो खुद कितना पुराना आदमी है, बट फिर भी उसके बावजूद भी न्यूटन से पहले का आदमी है अरस्तु। तो अरस्तु जब आया था तो उसने भी ऑब्जर्व किया कि यार कोई चीज अगर मैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चला रहा हूँ, हाँ साइकोलॉजी का जनक, तो अपने आप चल रही है। तो अरस्तु ने अपनी थ्योरी दी, उसको एक भ्रम था, वो साइकोलॉजिकली बीमार था, साइकोलॉजी का जनक था ना वो, तो साइकोलॉजी वाली बीमारी थी उसको। तो उसने एक भ्रामकता दी, भ्रामकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भ्रम, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली उसको एक भ्रम था, उसकी भ्रामकता ये थी कि अगर कोई वस्तु समान गति बनाए रखती है, अगर कोई वस्तु अपनी गति को समान, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, सो टू मेंटेन दिस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी देर इज सम फोर्स, देर इज सम कॉन्स्टेंट फोर्स विच इज अप्लाइंग टू द ऑब्जेक्ट फॉर दैट कॉन्टिन्यूस मोशन। तो उस वस्तु की सतत गति को बनाए रखने के लिए एक सतत बल हमेशा आवश्यक होता है। ये सथानी ना, न्यूटन ने तो बोला है कि अगर कोई वस्तु समान रूप से गति समान रूप से चल रही है चलती रहेगी तब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और अरस्तु बोलता था ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको कांस्टेंट मोशन में बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट फोर्स है जो उस पर अप्लाई हो रहा है। आगे बढ़ सकते, तो न्यूटन के बल पढ़ने से पहले, न्यूटन की गति के नियम पढ़ने से पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे अरस्तु के नियम। तो हेडिंग दो, अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु की भ्रामकता, लिखो। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु की एक समान गति को बनाए रखने के लिए किसी वस्तु की एक समान गति को बनाए रखने के लिए किसी वस्तु की एक समान गति को बनाए रखने के लिए एक नियत सतत बल की आवश्यकता होती है, एक नियत सतत बल की आवश्यकता होती है। इसे अरस्तु की भ्रामकता कहते हैं। यस सोनिया, यू आर राइट, मिसकंसेप्शन ऑफ अरस्तु बोल सकते हो आप इसे। इसे अरस्तु की भ्रामकता कहते हैं। दोबारा सुन लो, अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु की, अरस्तु के अनुसार अकॉर्डिंग टू अरस्तु किसी वस्तु की एक समान गति को बनाए रखने के लिए to maintain a constant motion of an object, to maintain constant motion of an object, किसी वस्तु की एक समान गति को बनाए रखने के लिए
एक नियत सतत बल की आवश्यकता होती है टू मेंटेन अ कांस्टेंट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वी नीड अ कांस्टेंट फोर्स. एक नियत सतत बल की आवश्यकता होती है कॉन्टिन्यूस फोर्स, कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूस फोर्स. नियत सतत बल की आवश्यकता होती है. इसे अरस्तु की भ्रामकता कहते हैं. इसे अरस्तु की भ्रामकता कहते हैं. खैर, इस भ्रम को तोड़ा किसने? न्यूटन ने तोड़ा था. तो न्यूटन ने अपने नियम दिए क्लासिकली. तो हेडिंग दो, न्यूटन के गति का प्रथम नियम. लिखो न्यूटन, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गति का प्रथम नियम. इसे बोलते हैं गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी बोलते हैं. खैर, इसको क्योंकि इसकी बात का समर्थन गैलीलियो ने भी किया था और उसका भी कुछ इनपुट है इसमें, इसलिए गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन की गति के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. ठीक है, लिखो. सबको बताए फेमस, यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर, तो वह स्थिर, तो वह स्थिर. एवं यदि एक समान रूप से गतिशील है, एवं यदि एक समान रूप से गतिशील है, एवं यदि एक समान रूप से गतिशील है तो एक समान गति से नियत पथ पर गतिशील रहती है. तो एक समान रूप से, तो एक समान गति से नियत पथ पर गतिशील रहती है. एक समान गति से नियत पथ पर गतिशील रहती है जब तक कि उसकी अवस्था परिवर्तन हेतु जब तक कि उसकी अवस्था परिवर्तन हेतु उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए. उस पर कोई बाह्य बल न लगाया
जाए। ओके अब इसमें से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें एक नोट डालो, यह नियम बल को परिभाषित करता है। एक्चुअली ये नोट बहुत से बच्चों को पता होता है, बहुत से को नहीं पता होता, इसलिए अलग से लिखा रहा हूं मैं। यह नियम बल को परिभाषित करता है, जिस लोग डिफाइन द फोर्स, यह नियम बल को परिभाषित, बल का कंसेप्ट क्या है कि यहीं से आया था, एक्चुअली बल का कंसेप्ट यहीं से आया था। तो यह नियम बल को परिभाषित करता है, यह नियम बल को परिभाषित करता है तथा यह बताता है कि बल एक कारक है, तथा यह बताता है कि बल एक कारक है, मतलब जो कार्य करता है, ठीक है ना, मतलब कि ऐसा है कि उसको बाहर से अप्लाई करते हैं, कोई इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्सट्रिंसिकली अप्लाई होता है। तो यह नियम बल को परिभाषित करता है तथा यह बताता है कि बल एक कारक है, ऑब्जेक्ट, जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है, जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है, जो वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है। इसी नियम से पता लगता है एक्चुअली कि बल क्या चीज है। अब जब ये नियम आया तो बल को परिभाषित करना शुरू किया गया, तो इस स्थिति में बल क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो न्यूटन लिखो, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा, चलो बल को समझते हैं, क्योंकि बल को इसी ने डिफाइन किया, तो बल को क्या डिफाइन किया, उसकी क्या डेफिनेशन बनाई गई, वो हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो लिखो, बल धकेलने या खींचने की वह प्रक्रिया है, बल धकेलने या खींचने की वह प्रक्रिया है जो विरामावस्था में या सीधी रेखा में, जो विरामावस्था में या सीधी रेखा में एक समान अवस्था की गति को, एक समान अवस्था की गति को, एक समान अवस्था की गति को परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है, एक समान अवस्था की गति को परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है या परिवर्तित करता है, या परिवर्तित करता है, ठीक है ना। तो बल एक कारक है, वो प्रक्रिया भी है जिस प्रक्रिया से एक समान जो वस्तु गति कर रही है उसकी गति को परिवर्तित कर सके। ये इस नियम के अनुसार बल की परिभाषा है, समझ में आई बात। बल की एक्चुअल डेफिनेशन तो खैर आपको पता है, ठीक है ना, कि बल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू दिस। बट इस नियम के अकॉर्डिंगली कोई वस्तु अगर समान अवस्था में जा रही है तो उसकी गति को चेंज करने के लिए इस तरह से बल लगाना पड़ता है, इस तरह से उसका कारक बन जाता है। तो ये बल की परिभाषा है, ठीक है। एक और नीचे लिखो, बल के बारे में कुछ बातें थोड़ी सी, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपके आता है तो आपको बल के बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए। लिखो नीचे, बल, बल एक प्रकार का खिंचाव, स्ट्रेचनेस, बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का, बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की, एक प्रकार खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था
हाँ, पुल और पुश जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था या एक समान गति की अवस्था, एक समान गति की अवस्था ब्रैकेट में लो, वेग नियत लिख लो, कांस्टेंट वेलोसिटी, या एक समान गति की अवस्था, एक समान गति की अवस्था मतलब ब्रैकेट में वेग नियत लिख देना, को परिवर्तित करता है, एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है, ठीक है। अब जो बल होता है वो क्या-क्या कारनामे कर सकता है उसके बारे में लिख रहा हूं। तो एक हेडिंग दो, इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, प्रभावी बल के प्रभाव, मतलब बल के प्रभाव लिख लो साहब, बल के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मतलब बल के प्रभाव, इसमें लिखो किसी वस्तु पर कार्यरत अशून्य बल, किसी वस्तु पर कार्यरत परिणामी अशून्य बल, किसी वस्तु पर कार्यरत परिणामी अशून्य, अशून्य मतलब कोई बल हो, जीरो बल नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए बल, परिणामी अशून्य बल निम्न प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, निम्न प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। नंबर वन, यदि वस्तु की चाल को प्रभावित, यह वस्तु की चाल को प्रभावित कर सकता है, यह वस्तु की चाल को प्रभावित कर सकता है, दूसरा यह वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है, यह वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है, यह वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। नंबर 3, यह चाल व गति की दिशा दोनों को परिवर्तित कर सकता है, यह चाल व गति की दिशा दोनों को परिवर्तित कर सकता है। नंबर 4, यह वस्तु के आकार या आकृति को परिवर्तित कर सकता है, यह वस्तु के आकार या आकृति को परिवर्तित कर सकता है,
तो ये बल जो है ना, इसकी यूनिट खेल में आपको लिखा चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी, बट मैं फिर से आपको एक बार समझा दूं कि ये बल आखिर होता क्या है। सो एब्सोल्यूट यूनिट जो होती है उसकी मैं बता दूं क्या क्या होती है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि हम लोग बल को दोबारा पढ़ रहे हैं ना, और बल अब आपके लिए एक मेजर टॉपिक बन चुका है, तो इसलिए मुझे जो बल है उसकी यूनिट्स आपको दोबारा लिखानी पड़ेगी। सबसे पहली यूनिट तो एम के एस में लिखी थी हम लोगों ने, सबसे फेमस है न्यूटन, जो कि एम के एस पद्धति में हमने पहले भी देखी हुई है। और फिर सी जी एस में मैंने देखी थी डाइन, जो कि सी जी एस पद्धति मैंने मैं आपको बताई थी कि सी जी एस में होती है। प्रैक्टिकल यूनिट या ग्रेविटेशन यूनिट्स भी मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो हम लोग डायमेंशन डिसाइड करने के लिए लेते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं उनको, या प्रैक्टिकल यूनिट बोल सकते हो आप, प्रैक्टिकल यूनिट आप बोल सकते हो। और वो ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किलोग्राम वेट बोल सकते हो, और यू कैन से दैट जो सी जी इसमें लिख लो, या फिर ग्राम वेट, तो या तो आप बोल सकते हो उसको एम के एस में, या फिर आप उसको बोल सकते हो सी जी एस में, तो एम के सी जी में बोल दो। और बताता हूँ ये किलोग्राम वेट में मतलब क्या होता है। 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर, और 1 ग्राम वेट जो होता है वो होता है 980 डायन के बराबर, ठीक है। और 1 न्यूटन जो होता है वो 10^5 डाइन, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यूनिट नंबर 1 के अंदर, बट हाँ आप लोग फोर्स दोबारा पढ़ रहे हो इसलिए मुझे दोबारा एक बार आपको फोर्स की सारी डायमेंशंस निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, न्यूटन की गति के पहले नियम का पहला निष्कर्ष ये निकला कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है वो स्थिर रहेगी, गतिशील में है तो वैसे ही गति करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। एक वर्ड आया बल, उसको हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसको हमने पूरा परिभाषित कर दिया, समझ लिया। बट इसी नियम में एक दूसरा वर्ड आया जो है जड़त्व, इनर्शिया, कि कोई वस्तु अगर जड़ता में है, जड़त्व में है, इनर्शिया में है तो वैसे ही रहेगी। तो क्या होता है ये इनर्शिया, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस नियम के अंतर्गत। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, जड़त्व क्या होता है यहाँ पे। तो जड़त्व मतलब होता है पकड़े रहना, उसको बांध के रखना, कोई भारी इंसान है वो एक जगह पे टिका रहेगा, उसकी जड़ता ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। कोई हल्का इंसान है वो नहीं टिकेगा, वो उड़ेगा, तो उसकी जड़ता कम है। तो श्योर है कि जड़ता जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम। सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि मोटा आदमी पतला आदमी वही एग्जाम्पल है इसका, वो टिका रहेगा। एक बार डॉक्टर हाथी अगर ऐसे बैठ जाते हैं ना चेयर पे तो वो हिलते नहीं है फिर, तो उसकी जड़ता क्या होती है वो। तो बेसिकली जड़ता एक तरह से किसी भी कण की या वस्तु की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वो ये नहीं चाहती है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, वो जैसी रखी है वो वैसी ही रहना चाहती है। तो जड़ता या जड़त्व एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, वो जड़ता कहलाती है, जड़त्व कहलाता है, और उसका मापन द्रव्यमान से किया जाता है, ठीक है ना। तो आप ये बात यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हो नीचे हेडिंग 2, जड़त्व, लिखो किसी पिंड या वस्तु द्वारा
स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। का गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का मापन वस्तु के द्रव्यमान से किया जाता है। जड़त्व का मापन वस्तु के द्रव्यमान से किया जाता है। नीचे लिख लो, जड़त्व प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। जड़त्व प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। ओके, अब लिखो जड़त्व के प्रकार, टाइप ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के प्रकार, ओके, नंबर एक लिखो, विरामावस्था का जड़त्व। विरामावस्था मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो वो विरामावस्था में रहेगी, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध। तो विरामावस्था का जड़त्व इसमें लिखो, यदि किसी वस्तु द्वारा यदि किसी वस्तु द्वारा उसकी विरामावस्था को स्वयं द्वारा परिवर्तित करने की स्वयं द्वारा परिवर्तित करने में
अक्षमता को व्यक्त करता है, अक्षमता को व्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, नंबर एक, यदि आम के पेड़ की एक डाली को हिलाया जाता है यदि आम के पेड़ की एक डाली को हिलाया जाता है तो टूटकर नीचे गिर जाता है। तो आम टूटकर नीचे गिर जाता है क्योंकि आम हिलना नहीं चाहता। डाली को तो हिला दिया पर आम कहता है कि मैं नहीं हिलूंगा क्योंकि मैं भारी हूं, तो वो नहीं हिलना चाहता। तो डाली तो खिसक जाती है आगे और आम वहीं का वहीं रहता है, इसलिए वो टूट जाता है। दूसरा लिखो, जब बस अथवा रेलगाड़ी, जब बस अथवा रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है तो बस के यात्री को अचानक पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो बस के यात्री को अचानक पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्योंकि बस का यात्री ये बात बोलता है, भाई मैं तो स्थिर हूँ, मैं स्थिर रहूंगा, भले ही बस आगे निकल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस तो आगे निकल गई, बट प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी आगे नहीं जाना चाहता, इसलिए वो धक्का महसूस करता है। नंबर तीसरा लिखो, जब घोड़ा अचानक गति करना प्रारंभ करता है, जब घोड़ा अचानक गति करना प्रारंभ करता है, जब घोड़ा अचानक गति करना प्रारंभ करता है तो सवार पीछे की ओर गिरता है, तो सवार पीछे की ओर गिरता है। सेम एक सेम एग्जांपल है इसका भी ना, इसमें कोई नया नहीं है, वही का वही एग्जांपल है। वो भी आगे जाना चाहता, तो आपने देखा वो पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है ऑटोमेटिक, तो सवार पीछे की ओर गिरता है। अगला लिखो, जब एक गत्ते पर एक सिक्का रखा जाता है, आप लोगों ने बहुत देखा होगा इस प्रयोग को, बहुत फेमस प्रयोग है। जब एक गत्ते पर एक सिक्का रखा जाता है जब एक गत्ते पर एक सिक्का रखा जाता है तथा गत्ता एक ग्लास पर इस प्रकार रखा है तथा गत्ता एक ग्लास पर इस प्रकार रखा है कि सिक्का ग्लास के खुले सिरे पर हो, कि सिक्का ग्लास के खुले सिरे पर हो।
अब यदि गत्ते को अचानक सरका देकर हटाया जाता है, अब यदि गत्ते को अचानक सरका कर हटाया जाता है, अब यदि गत्ते को अचानक सरका कर हटाया जाता है, तो सिक्का ग्लास में गिर जाता है। सिक्का ग्लास में गिर जाता है, सिंपल सी बात है ना। और लास्ट एग्जांपल लिख लो, जब कंबल या दरी को पीटने पर धूल के कण नीचे गिरते हैं, कंबल या दरी को सिंपल लिख लो, कंबल या दरी को पीटने पर धूल के कण नीचे गिरते हैं, दैट्स इट। तो ये थे विरामावस्था के जड़त्व के नियम। अब हम कल पढ़ेंगे गति के जड़त्व के नियम क्या होते हैं, गति में जड़ता कैसे होती है, दिशा में जड़ता कैसे होती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई गति में एक समान गति से गति कर रहा है तो वो गति में चलता रहेगा, अगर एक समान दिशा में मुड़ रहा है तो मुड़ता रहेगा जब तक कि कोई बल ना लगाया जाए। सिंपल सी बात है, बस इतने जड़त्व के नियम है। वो सब कल पढ़ेंगे, कल न्यूटन की गति का पहला नियम खत्म करेंगे और उसी के साथ दूसरा नियम भी कल शुरू करेंगे, और दूसरा नियम खत्म करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। पहले नियम से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और दूसरे नियम से जरूर कुछ एक्स्ट्रा सवाल आएंगे, तो हम लोग दूसरे नियम की बातें भी कल ही करेंगे। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आप गति के दूसरे नियम के साथ जड़ता का नियम कल खत्म करेंगे। बाय बाय।